दोस्तों आरसीबी की टीम ने अपने 12वें मुकाबले में यानी कि कल सनराइजर हैदराबाद की टीम को पूरी तरह हराया है। और इस मैच के बाद, इस जीत के बाद आरसीबी की टीम के लिए काफ़ी सारी खुशखबरियां, काफ़ी सारी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। प्लेऑफ से जुड़ी आरसीबी की टीम के ऊपर एक बड़ी खबर है, कितने ज़्यादा चांसेस आरसीबी की टीम के बन चुके हैं प्लेऑफ में जानेंगे, और टॉप टू के अंदर की आरसीबी की टीम फिनिश कर पाएगी, ये सभी बातें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप भी आरसीबी की टीम के फैन हो तो इस वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को आप देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक। सबसे पहले दोस्तों कल के मैच की बात करें यानी कि आरसीबी और हैदराबाद के मुकाबले की, आरसीबी ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करी, सेम प्लेइंग 11 आरसीबी की टीम ने खिलाई। विराट कोहली पहले ही गेंद पे आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरसीबी की टीम के दोनों बल्लेबाजों से यानी कि फाफ डू प्लेसिस, रजत पाटीदार से अच्छा इंटेंट देखने को मिलता है। दोनों ही एग्रेसिव बैट्समैन करते हैं और 100 से भी ज़्यादा रन की पार्टनरशिप कर देते हैं। रजत पाटीदार कंसिस्टेंटली आरसीबी की टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये प्लेऑफ से पहले आरसीबी की टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। 48 रन कर रजत पाटीदार ने बनाए, ग्लेन मैक्सवेल ने भी छोटी सी पारी खेली और अंत में आके दिनेश कार्तिक ने 8 गेंदों पर 30 रन बनाए। बल्लेबाजी क्रम में आरसीबी की टीम के लिए फाफ टू प्लेसिस लास्ट तक नॉट आउट रहे और दिनेश कार्तिक ने अच्छा फिनिश आरसीबी की टीम को दिलवाया और अंत में एक अच्छा टीम टोटल आरसीबी की टीम ने बोर्ड पे लगा दिया था। इसके बाद गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी और फील्डिंग आरसीबी की टीम की टॉप क्लास की रही। हेजलवुड ने एक बार फिर 4 ओवर में 17 रन दिए, 2 बड़े विकेट अपने नाम किए और कंसिस्टेंटली आरसीबी की टीम के लिए लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा वनिंदु हसरंगा कल के मुकाबले के हीरो रहे, मैन ऑफ द मैच इनको चुना गया। हसरंगा ने कल अपना आईपीएल का पहला फाइफर लिया यानी कि 5 विकेटें एक ही मुकाबले में ली और केवल 18 रन दिए, तो कल के मुकाबले के हीरो आरसीबी की टीम के लिए वनिंदु हसरंगा थे, इसीलिए इन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। और इसी के साथ अब वनिंदु हसरंगा पर्पल कैप की लिस्ट में नंबर 2 पे आ चुके हैं। नंबर 1 पर जो खिलाड़ी है वो यूजी चहल, जिनके नाम 22 विकेटें हैं और हसरंगा के नाम है 21। तो कमाल का परफॉर्मेंस कल के मुकाबले में वनिंदु हसरंगा का रहा था। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें इस मुकाबले के बाद आरसीबी की टीम को मिली खुशखबरी की, तो आरसीबी की टीम का नेट रन रेट जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। पहले माइनस में 0.444 था और अब वो हो चुका है माइनस में 0.115, तो काफ़ी बेटर आरसीबी की टीम का नेट रन रेट हुआ है। और एक और गुड न्यूज़ आरसीबी की टीम के लिए कल के दिन निकल के आई, ये निकल के आई दूसरे मुकाबले को लेकर। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कल दूसरा मुकाबला था और चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी जीत मिली। 91 रन से चेन्नई की टीम इस मुकाबले को जीती और इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ आरसीबी की टीम को। अब हम लोग अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो नंबर 1 नंबर 2 पर लखनऊ और गुजरात है, नंबर 3 पर राजस्थान है, नंबर 4 पर अब आरसीबी की टीम है। हालांकि पहले भी थी, लेकिन अब आरसीबी की टीम ने जो है वो नंबर 4 का स्पॉट अपने लिए जो है वो फिक्स कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अब कह सकते हो कि आरसीबी की टीम जो है वो प्लेऑफ्स के अंदर अपना एक कदम रख चुकी है। आरसीबी की टीम को अब केवल पंजाब किंग्स की टीम को हराना है और आरसीबी की टीम जो है वो सीधा प्लेऑफ्स के अंदर क्वालिफाई कर जाएगी। बचे हुए 2 मुकाबले, अगर आरसीबी की टीम दोनों ही मुकाबले जीती है तो टॉप 2 के चांसेस बनेंगे। लेकिन अब दोस्तों आरसीबी की टीम प्लेऑफ्स के अंदर जा चुकी है, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। आपको दोस्तों कैसा लगा कल आरसीबी की टीम का परफॉर्मेंस और आपको क्या लगता है आरसीबी की टीम जो है वो किस नंबर पर लीग मुकाबले में फिनिश करेगी, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आरसीबी की टीम के ऐसे डेली अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।